मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं, मेरे बहुत से दर्शकों की ये जानने को उत्सुकता रहती है कि सर, हमारा सिक्स हाउस या एट हाउस बारहवां घर, जिन्हें हम धूसरखाना कहते हैं या बैड हाउसेस कहते हैं, क्या ये हमारा बुरा ही बुरा करते हैं? प्रिय दर्शकों, आज की मेरी वीडियो उन सभी दर्शकों की जो इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए है। सिक्स हाउस, एट हाउस और ट्वेल्थ हाउस ये हमें बुरा फैक्ट ही नहीं देते, बुरा के साथ साथ अच्छा फैक्ट भी देने वाले होते हैं। सिक्स हाउस हमारी बीमारी, हमारे शत्रुओं का, हमारे ऑब्स्टेकल्स, हमारे तलाक के साथ साथ हमें कंपटीशंस, डे टू डे वर्क इसको भी इंडिकेट करता है। यदि आपका सिक्स हाउस स्ट्रॉन्ग है तो प्रिय जातकों, ऐसे में आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, आप विनर होंगे। यदि सिक्स हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ गया, यू विल बी द विनर। आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, आप जिस काम को ठान लेंगे वो काम करके सोएंगे। यदि सिक्स हाउस में कॉम्बो ऑफ प्लैनेट्स बैठ गया तो आपको ये वर्क में बहुत कामयाबी देगा, आप वर्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड होंगे। आपको इलनेस तो होगी, बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपको 20-22 साल तक अक्सर प्रॉब्लम रहेगी। इसके बावजूद आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे। यदि मंगल है तो बहुत हिम्मती बनाएगा, शुक्र है जो ये आपको लग्जरी की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे कामों से आप पैसा कमाएंगे जो लग्जरियस जब लेडीज से आप रिलेटेड है। यदि इसमें बुध है तो आपको जो लॉजिक माइंड देगा ये आपको रिसर्च की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसी तरह हमने बाकी प्लेनेट्स जो बैठे हैं उनके हिसाब से देखना है। इसलिए प्रिय जातकों, यदि सिक्स हाउस में बैठे ग्रह कुछ बुरा करते हैं तो ये अच्छा भी करते हैं। अब आप आठवें घर की बात करते हैं। आठवें घर में बैठे हुए ग्रह हमें क्रोनिक इलनेस देते हैं, ऐसी बीमारियां जो हमें आंसू देती हैं, असाध्य रोग, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक किसको आर्थराइटिस है, कोलाइटस, अर्थराइटस, पाइल्स, फिस्टुला, इस तरह की प्रॉब्लम्स, एसटीडी, ये हमें एट हाउस से मिलती हैं। लेकिन प्रिय जातकों, एट हाउस जो हमें हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, डीप नॉलेज, मैंने बड़े रिसर्चर्स, दुनिया के ऑलमोस्ट काफी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, उनकी कुंडलियां मैंने देखी हैं, उनका एट हाउस का संबंध चाहे एट हाउस से था, या एट हाउस का संबंध फिफ्थ हाउस से था, या एट हाउस का संबंध फर्स्ट हाउस से था, वो बहुत बढ़िया साइंटिस्ट रिसर्चर प्रूफ हुए। इसलिए प्रिय जातकों, ये जो बैड हाउस या दुस्थान गिने गए हैं, इनका भी अपना एक स्थान है। अब हम ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। जब भी इसमें कोई नीच ग्रह बैठ गया, ये आपकी रात की नींद हराम कर देगा, ये आपको स्ट्रेस देगा। यदि प्रिय जातकों, यदि आपका ट्वेल्थ हाउस अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छे इमेजिनेशंस, इंट्यूशंस देगा, ये आपको मोक्ष देगा। मैंने बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु देखे हैं, उनके हॉरोस्कोप देखे हैं, वो मोक्ष की तरफ के उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा की शरण में लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत तत्पर थे। वो लोग मोक्ष की तरफ गए, उन्होंने समाज के लिए बहुत ही काम किया। यदि ट्वेल्थ हाउस स्ट्रांग होगा तो ऐसे लोगों के इंट्यूशंस, कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। ऐसे जातक भी फॉरेन्स में काफी कामयाब होते हैं। इसलिए प्रिय जातकों, ये मत सोचो कि सिक्स हाउस एट हाउस दूसरा नहीं है, इसके साथ साथ ये
अच्छा रिजल्ट देने वाले भी होते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई भी बर्थ चार्ट का घर 1 से 12 कोई भी खराब नहीं है, इसमें बैठे हुए ग्रह यदि खराब फल देते हैं तो अच्छा फल देने वाले भी होते हैं। इसलिए प्रिय जातकों, ओम एस्ट्रो के साथ जुड़े और कुछ ना कुछ सीखें। मेरी तमन्ना है कि मैं सारी दुनिया को ज्योतिष सिखाऊं, आप मेरे साथ जुड़े रहें और ज्योतिष का आनंद लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।